मुराकबा होगा थोड़ी देर के लिए, तो सब दोस्त अपनी आंखें बंद कर लें और जुबान तालू के साथ चस्पान कर लें, बिल्कुल जुबान में तहर्रुक कोई भी ना हो और तवज्जो अपना बाएं जाने पश्चिम की तरफ दिल की तरफ करें। दुनिया और दुनियावी चीजों को भूल जाएं, जैसे जो कुछ भी नहीं है, जो भी ताल्लुकात हैं काम से लोगों से वो सब भूल जाएं, चीजों से ताल्लुकात हैं वो सब भूल जाएं, बस अल्लाह ताला की जात पाक मौजूद है और कुछ भी नहीं है और हमारा दिल जिक्र कर रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। और आका इनामदार रोशनी हमारे दिल में दाखिल हो रही है, दिल का अंधेरा दूर हो रहा है, गुनाहों के असरात दूर हो रहे हैं, दिल रोशन और मुनव्वर हो रहा है। तस्बीह को हमारे करीब के मशायख ने रिवाज दिया है सिर्फ जिक्र में यकसुई को पाने के लिए, क्योंकि ख्यालात भटकते हैं और यकसू नहीं रहते, तो आपने इस पर यह तवज्जो रखना है। तस्बीह का आवाज नहीं, हर एक दो समझे के दिल में जिक्र हो रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, यानी यूं समझे कि दिल भी जिक्र कर रहा है और तस्बीह भी जिक्र कर रही है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अपने गुनाहों को उयूबात को हर एक शख्स याद करे और अपने आप को सबसे ज्यादा गुनाहगार खताकार समझे, आजिज़ी और इंकिसारे दिल में लाए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत का मंजूर होगा और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का सर मुर्शिदे कामिल के सीने से दिल में आता और महसूस होगा। सब दोस्त मुराकबा करें। अल्लाह 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 तेरा अल्लाह अबाद विच डेरा ओ पीर गफारिया कर नजर करम पा फेरा ओ पीर गफारिया कर नजर करम पा फेरा ओ पीर गफारिया मेरा लोलो देवे दुहाई शाला लगे न तत्ती वारी ओ यार गफारिया ओ जदो आना ने मल कल मौत पीर गफारिया उस वक्त दर है दाई खौफ पीर गफारिया
नबी पाक नाले आवी जन साई नबी पाक नाले आवी ते आज जन्नत दा भाग बनावी ओ पीर गफारिया ओ विच कबर दे सोनी ओ सावी ओ पीर गफारिया ओथे कोई न भर सी हामिया यार गफारिया उस औखे वेले आवी सजन साई औखे वेले आवी ते आ कलमा याद करावी ओ पीर गफारिया अल्लाह 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 मुझा पीर फिर ही प्यारा दिलदार दुआ थर तो सोहरे साईज फैज मंजा आज बंदे अता कर तो मुझे नफस निभागो बुरा इन ले रुगो मांदो मुझे वटन गुरा आहे बार न खो बांदो मुझे वटन गुना हिन खा आहे बार न खो बांदो मुझे कतल कलब के सजन पीर सफा कर तो सोरे साई जे फैज मंझा आज वंदे अता आज वंदे अता कर तू सोने साईं जा सोना तू फैज भरियल फरजन सोने साईं जा सोना ओ फैज भरियल फरजन मुझे सजन तुझो लकब सजन साई इजहार सखा कर तो महबूब जे फैज मंझा अज वंद अता कर तो अज वंद अता कर तो अल्लाह 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 يا رسول الله ترحم
احوال محمد را خبر کن بگری جان مشتاقم در آجا فدای روزه خیر البشر کن نسیما جانب بطحا گذر کن لأحوال محمد را خبر کن برو آور سر از برد یمانی زرو اے لطف سو اے من نظر کن نسیما جانب بطحا گذر کن لأحوال محمد را خبر کن لأحوال محمد را خبر کن الله 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 دل غافل نہ ہو یکدم دل غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے محل کر خالی بغیچے محل کر خالی زمین اندر سمانا تیرا نازک بدن بھائی جو لیتے سیج پھولوں پر ہوئے گائے دن مردہ ہوئے گا ایک دن مردہ یہ کرموں نکالا ہے دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے یہاں بستر نرم گرم گدے لے گل مغالی جے وہاں مٹی کے ڈھیلے کا سرانا خواب چونا ہے دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے یہاں تیرا نہیں سکتا شمع دانوں سوا چلنا وہاں تیرا قبر اندر اندھیرے میں ٹھکانا ہے دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے ہوا فرمان جب تیرے لیے ذکرن کثیرہ کا مگر افسوس پھر بھی کیوں ذکر سے بھول جانا ہے دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے فرشتہ روز کرتا ہے منا دی چار کونوں پر محلہ اونچیاں والے تیرا گوری ٹھکانا ہے دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے محل کر خالی زمین اندر سمانا ہے اللہ 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 ذکر چاہی تھی محبت خدا جی بن بن خاک قدمے اولیاء جی جنا پکڑیا ہے دامن اولیاء دا انا پکڑیا ہے دامن مصطفیٰ دا انا دا حد رسول اللہ دا حد ہے رسول اللہ دا حد اللہ دا حد ہے
يد الله فوق أيديهم جواهي دنا جدوش إنادي بادشاهي نظر کر خاک کو سونا بناویں مگس کو کر ہما ظاہر دکھاویں یہیں تے چا مہر دی بھال بھالیں قسم رب دی ہزاراں درد ٹالیں اولیاء راہست قدرت الالہ تیر جست احباب گرداند ذرا اللہ 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 کرنے والے جنت میں جائیں گے ذکر قلبی کرنے والے جنتوں میں جائیں گے جو ذکر نہیں کرتے وہ بہت پچھتائیں گے اللہ اللہ کرنے والے کی دل میں خدا کا نور ہے جو ذکر سے غافل ہے وہ اس نعمت سے دور ہے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار کی دل کے آئینے میں ہے تصویر یار کی جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی ذکر کن کا ترا جانس پاتی بند ذکر رحمان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ولنرحمنا سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین دو باتیں ہم سب کی یاد دہانی کے لیے بلکہ اپنے لیے زیادہ اور آپ کے لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اس کی یاد یہ بہت بڑی اہم بات ہے ہمارے زندگی میں بہت بہت بڑا مقصد ہے ایک غرض ہے ہماری زندگی کا اس میں ہماری نجات ہے ہمارا فائدہ ہے اور ہماری کامیابی ہے تو ہم میں سے کتنے ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنے دل میں جاری رکھتے ہیں اور کیا واقعی وہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے طرف متوجہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا وہ واقعی حضور نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض مرشد کامل کے تبسل سے پانے کی کوشش کرتے ہیں واقعی ان کے دل میں طرف ہے واقعی ان کے دل میں جستجو ہے اور یہ امید ہے اور یہ خیال ہے یا صرف ہم ایک نام کی حد تک ظاہر کی حد تک اپنے آپ کو ذاکر بنائے بیٹھے ہیں اور دل ہمارے ابھی تک ذاکر نہیں ہو سکے دل ہمارے ابھی تک زندہ نہیں ہو سکے دل ہمارے ابھی تک جاری نہیں ہو سکے کیوں نہیں جاری ہو سکے یہ بھی تو ایک بات ہے تو سوچنا چاہیے یہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ فلاں سے کہیں گے وہ دعا کرے گا تو ہمارا دل جاری ہو جائے گا فلاں سے کہیں گے کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے گا دعا تو بہت بڑی اہم بات ہے وہ تو ضرور لینی چاہیے لیکن دل صرف دعا سے جاری نہیں ہوتا اس کے لیے فکر چاہیے اس کے لیے تڑپ چاہیے اس کے لیے کوشش چاہیے دنیا کے چند پاؤنڈ کمانے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں صبح سویرے اٹھتے ہیں کوئی فیکٹری جا رہا ہے کوئی گاڑی نکال کے جا رہا ہے کوئی اپنے دکان پہ جا رہا ہے کوئی ملازمت کے لیے جا رہا ہے ایسا ہے یا نہیں ہے
चंद पाउंड कमाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है और वो पाउंड कितना अरसा हमारे साथ रहते हैं या रुपए या पैसे खर्च हो जाते हैं। एक महीने के भी वो बमुश्किल गुजारा होता है, फिर हमें नए पाउंड चाहिए, फिर हम अपनी उस जुस्तजू उस कोशिश को जारी रखते हैं। यानी कि एक आजी और मुख्तसर महदूद टाइम के लिए मिलने वाली एक चीज को कितनी मेहनत से हम पाते हैं और किस कदर उसकी अहमियत को समझते हैं। तो इतनी मेहनत जो हम चंद पाउंड कमाने के लिए करते हैं, आप और हम जरा जवाब दें। अल्लाह तआला के जिक्र में उसका अशर अशीर भी हमने किया है, दसवां हिस्सा भी हमने किया है, ये भी तो एक कोशिश है। आज आप आए हुए हैं यहाँ, अपने घरों को छोड़ा, अपने काम को छोड़ा, अपने ऑफिस को छोड़ा, ये कोशिश है, ये मोहब्बत है, ये जुस्तजू है जिसने आपको इस पर आमादा किया, ये आपके दिल में ये जज्बा है। तो इसी जज्बे, इस मोहब्बत और इसी जुस्तजू को बढ़ाने की बात हो रही है। ये इतनी आसान बात नहीं है, अल्लाह ताला की मोहब्बत को पाना, उसके कुर्ब और उसकी रजा को पाना, ये इतना आसान काम नहीं है। हम समझते हैं कि ये कोई चंद मुख्तसर दावाएं हम करेंगे और चंद लोग पीछे लगाएंगे तो बस अल्लाह ताला की रजा हमें मिल जाएगी, ये ऐसी बात नहीं है। ये बहुत नाजुक मामला है, बहुत नाजुक मामला है। तो ये बात जो है हमें हम सब के जहन और दिल में होनी चाहिए, बहुत नाजुक मामला है और अल्लाह तबारक व ताला का ये खास इंतखाब होता है, उसका खास कुर्ब होता है, उसकी जुस्तजू है। तो इसलिए आप सबको ताकीद है कि जिक्र करें और कसरत से करें, और जिक्र तब चलता है सिलसिला नक्शबंदी की तालीमात के मुताबिक जब जिक्र वालों के साथ सोबत रखी जाए। जिक्र तब जलता है जब मुर्शिद कामिल की तरफ दिल का तवज्जो, जब अपने दिल का काबा व किबला मुर्शिद की जात को आदमी समझे और उसी को फैज रस हासिल दे। ये वो शख्स है जो मुझे फैज देता है, उसकी तवज्जो से मेरा काम होगा। ये यकसुई चाहिए, ये नहीं कि कभी जो है वो मुतवज्जे रहा एक तरफ और फिर दूसरी तरफ और फिर तीसरी तरफ। वो कहते हैं मजनू बड़ी मस्ती में और शौक में लैला लैला पुकार रहा था, तो रूमी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही है, तो कुछ मजाक करने वाले लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगे ताकि उसको उससे मजाक करें, जिस तरह हम लोगों की आदतें होती हैं। तो वो उनमें से कोई एक कहने लगा, वो देखो तेरे दाई तरफ लैला आ रही है। दूसरे का, वो देखो तेरे बाई तरफ से लैला आ रही है। किसने कहा, नहीं तेरे सामने से आ रही है। नहीं, तेरे पीछे से आ रही है। वो सोच रहे थे वो इधर उधर देखेगा, कभी इस तरफ देखेगा, कभी उस तरफ देखेगा, कभी उधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। तो हम हंसेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, वो लैला तो होगी नहीं, तो हम उस पर हंसेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। तो मौला जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मजनू एक ही जगह आंखें बंद किए अपने तस्वर में ही घूम रहा, अपने दिल की तरफ देखता रहा। तो लोग बड़े हैरान हुए कि भाई इतना हमने इसको कहा है, इसने किसी तरफ देखा ही नहीं, तो ये वजह क्या है। तो मजनू ने आंखें खोली और उनको कहा कि मेरे भाइयों, लैला न दाएं है न बाएं है, न आगे है न पीछे है, लैला मेरे दिल में है। तो वो एक लम्हा के लिए मेरी आंखों से ओझल नहीं है। तो इसलिए वो यकसुई, देखो उसके ख्याल की कितना यकसू था इस मामले में। तो इसलिए जिक्र करें, कसरत से करें और अपने दिल का रिश्ता और नाता हमेशा मजबूत और मुस्तहकम रखें। बगैर इसके काम नहीं होगा और पैसे कमाना इतना मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला को राजी करना, उसकी रजा को पाना, ये बहुत बड़ा काम है। हम भी थे ना आज बैठे हुए, हमसे पहले और लोग थे जिन्होंने ये सारी चीजें इकट्ठे की होंगी हमसे भी बढ़कर, और वो चीजें आज उनकी नहीं है, किसी और की बन चुकी हैं, वो कब्रों में चले गए। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये बुनियादी तौर पर बेशक करेंगे तो जरूर करना चाहिए, जिंदगी है ही अमल के लिए, इससे तो बिल्कुल मना नहीं कर रहे आपको। बल्कि हमेशा पहला सबक क्या दिया जाता है
जब भी बात होती है भाई रस्त बकार, पहला काम ये कहा जाता है भाई हाथ अपना काम में रखो, कोई मेहनत करो, कोई कारोबार करो, कोई मजदूरी करो, कोई मुलाजमत करो, हाथ हमेशा पहला सबक ये है सिलसिला में दस्त बकार, हाथ काम में होना चाहिए। और फिर कहा जाता है दिल बयार, वो दिल हो यार की तरफ, तो ये दोनों काम एक साथ करने हैं। इसलिए आपको जिक्र कल भी दिया जाता है कि आपका दिल अल्लाह ताला के जिक्र में रहे और आपका हाथ जो है वो काम और धंधे और कारोबार में रहे। और ये नहीं कहा जाता है कि भाई आओ और बैठ जाओ मस्जिद में या खानकाह में, बस बैठे ही रहो लेटे ही रहो, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि अत्तल इम्कान हमारे हजरत की खानकाह पर कोशिश होती है कोई आए तो कुछ न कुछ वो खिदमत करे, शुक्रा की दोस्तों की खिदमत करे, काम करे और फिर जिक्र के टाइम जिक्र करे। तो इंशाल्लाह ये जिक्र की मशक आप भरपूर करें और इसमें कोई सुस्ती न हो। और दूसरी बात यह है कि जो भी आमाल हम करते हैं, जो भी नमाजें हम पढ़ते हैं, जो भी तिलावत हम करते हैं, जो भी हम तस्बीहात पढ़ते हैं, थोड़ी हो या ज्यादा, जितनी भी जिसको तौफीक हो, उसमें अल्लाह ताला की मोहब्बत और उसकी रजा जोई होनी चाहिए, उसकी उसके कुर्ब की तलाश होनी चाहिए। अगर ये इस जज्बे के मातहत अल्लाह ताला के कुर्ब की, उसकी रजा की, खुशनुदी की तलाश है, इसी मोहब्बत में वो कर रहा है, तो हमारे सिंध के बुजुर्ग हजरत से आदरत बिटाई रहमतुल्लाह ताला ने उनका एक बड़ा बेहतरीन एक ही बंद में अर्ज करता हूँ। फरमाते हैं ये नजर तो नेक तो बिस्मिल्लाह बस थी। फरमाते अगर तेरी जुस्तजू अच्छी है और तेरी नीयत सच्ची है तेरे लिए बिस्मिल्लाह ही काफी है। हम तो बहुत सारे वजीफे करते हैं, एक नहीं दूसरा नहीं, कभी दो लोग आते हैं कि सही ये मुश्किल होगी, हम हालांकि उनको जिक्र दे दिया जाता है, कल भी जिक्र बता दिया जाता है, जो ये आजिज भी करता है इसी की सबसे अहमियत है। लेकिन वो कहते हैं कि हमें कोई वजीफा बताएं, एक बताते हैं ऐसी हकीकी बात है, वो कहेंगे ये हमने किया हुआ है, फिर दूसरी बात बताते हैं फिर ये भी किया हुआ है, तीसरी बताते हैं फिर ये भी किया हुआ है, ऐसा भी है 10 चीजें बताई उसने, आप तो 10 बता रहे हैं, मैंने 100 की हुई है। यहाँ ये बिटाई साहब की बात जहन में रखें कि अगर आपकी जुस्तजू और तलाश है अल्लाह की जात, उसकी मोहब्बत, तो फरमा दे फिर तो तेरे लिए बिस्मिल्लाह ही काफी है। तो और बिस्मिल्लाह तो शाह साहब ने फरमा दी, यहाँ तो हमारे मशाय कह रहे हैं अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, यानी उससे भी मुख्तसर बात हो गई। तो यहाँ जो है एक ताल्लुक चाहिए और मोहब्बत चाहिए, ये बुनियादी एक कुव्वत खरीद है आपकी, जिससे आपको ये चीज मिल सकती है, मोहब्बत सच्चाई और खुलूस, जितना होगा उतना उसको नसीब होगा। अगर यहाँ किसी और जस्तजू में हम बैठ जाएं तो हमें इज्जत मिलेगी दुनियावी लिहाज से, हमें शोहरत मिलेगी, हमें हमारा अदब होगा, लोग एहतराम करेंगे, तो फिर आप कोई और चीज तलाश कर रहे हैं। जो चीज यहाँ मिलने की हमें उम्मीद रखनी चाहिए उससे हटकर हम कोई और चीज तलाश कर रहे हैं। ऐसे ही है कि कोई कसाई की दुकान पर जाए और उसको कहे कि भाई मुझे सोना चाहिए, कोई कसाई की दुकान पर जाए और उसको कहे कि मुझे सोना चाहिए, तो कसाई कहेगा भाई तुम पागल हो गए, मैं तो यहाँ सोना नहीं बेचता, मैं तो गोश्त बेचता हूँ। तो ये चीज जो है वो हर शख्स इसी तरह की के रवैये बजाय, लोग को इल्म भी नहीं होता, ये तो बहुत खास चीज है। अल्लाह का शुक्र है कि मशाइख के तवस्सुल से, उनके सदके में, उनकी बरकत से, उनके तबर्रुक से ये चीज हमें मिली है। बस बात ये कदर की तौफीक हो, तो इसलिए दो बातें कही गई हैं कि जो थोड़ा अमल करें या ज्यादा अमल करें वो तो अल्लाह तआला की रजा और मोहब्बत में करें, सच्चाई से करें, वो बेहतरीन अमल है। वो एक रकात आपकी आप लाख रकातों से बेहतर होगी, वो एक रकात, वो एक सजदा आपका लाखों सजदों से बेहतर होगा, उसी की तलाश है। तो इसलिए जिक्र करें और सोबत में हम सीखते हैं, अदब सीखते हैं और एहतराम सीखते हैं, इंसानियत सीखते हैं,
एहसास सीखते हैं, मोहब्बत लेना और देना सीखते हैं। कोई दवाएं नहीं सीखते कि भाई वो जाकर खड़े हो जाए कि भाई ये भी है वो भी है वो भी है, ये नहीं। यहाँ तो मिटाने की बात होती है, अपनी हस्ती को मिटाना और अल्लाह ताला की मोहब्बत में फना हो जाना। बाकी जो है ना, आप भले सेठ बने या आप ऑफिसर बने या आप बिजनेसमैन बने, वो जरूर बने, बिल्कुल इससे मना नहीं है। जरूर मेहनत करें और बहुत आगे जाएं और उसकी जरूरत है। इस मुआशरे में रहते हुए आपको इस चीज को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो कितनी बहुत हमारे जहद जिम्मेदारियां हैं, कोई एक काम नहीं है आप उसी काम को पकड़ के बैठ जाए। यहाँ तो बहुत हमारे जहद जिम्मेदारियां हैं और बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, उन सबसे निमटना है और उनको कामयाबी से पूरा करना है। तो ये दो बातें हो गई, एक जिक्र की बात हो गई, और थोड़ा भी अमल करें या ज्यादा भी अमल करें, उस सच्चाई से करें। अल्लाह ताला की रज़ा के लिए दुआ करें। सुभान अल्लाह। ऐसा अगर कोई नया दोस्त है जिसने पहले जिक्र नहीं लिया हुआ है तो वो भले कलब पर उंगल रखवा ले। इस बात का जिस बात को दोस्त नहीं मिले वो भी आपको मिल लें। दिल है, दिल में हमेशा तवज्जो रखे, दिल आपका जिक्र कर रहा है। अल्लाह अल्लाह है, दिल है, सारे बैठे सोच जाते हर वक्त तवज्जो रहे कि दिल जिक्र कर रहा है कि अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये डरबी में रहते हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त, आपसे बहुत मोहब्बत है, एक साल से इत्तेफाक में रहते थे, उसके बाद आए तो बहुत ज्यादा प्यार था। तो ये आप जिक्र शुरू करें, सोहबत करें, दुआ है कि अल्लाह आपके सीने को खोल दे ईमान के लिए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से आपकी मोहब्बत और अदब के लिए दुआ है। क्या हाल है, जिक्र क्या करें, दिल आपका पुकार रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी, तेरा रुतबा कमाल तू है।